जी नमस्कार। जो सोशल मीडिया पर सबसे अधिक वायरल खबर है वह खबर हम आपके बीच लेकर आए हैं, लेकिन उससे गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया जो कि आपको नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी, वह खबरें हम आपके बीच लेकर आए हैं। जानते हैं अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो समझिए कि क्या होता। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, जो आपकी खबरें चलता है उसको दबा दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा वायरल और अभी ट्रेंडिंग में है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि बिहार के राजनीति में एक बार फिर से एंट्री हो गई है उनकी। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव 17 साल जो है बनाम 17 महीना का जिक्र किया है। उसमें खेसारी लाल यादव बोले हैं कि जो 17 सालों में काम नहीं हुआ, जो हमारे भाई तेजस्वी जो कि 17 महीना में करके दिखाया है, अगर आप लोग मौका दीजिएगा तो आग लगा देंगे। और तेजस्वी का एक जो ट्वीट आया है वो भी हम दिखा देते हैं, जो तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव जो जन समर्थन और जन विश्वास लोगों का मिल रहा है उनसे बहुत गदगद है, और वह जनता के अदालत में गए हैं, लेकिन गोदी अखबार उसको कैसे दिखाएगा? आपको विश्वास करने लायक भी नहीं है बचा हुआ गोदी अखबारों पर, बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। उसमें सन नाम का चीज़ भी नहीं बचा हुआ है, जो गोदी अखबार है उसको शर्म बिल्कुल नहीं है, समझिए। तो आपको बता दें कि क्या है तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया उसमें क्या है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, वक्त से पहले हादसे से लड़ा हूँ, अब मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। जिस तरह से उनके घर पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगाया जाता है उससे लड़ते हुए, और जिस समय उनके पिताजी को जेल जा रहे थे तो इन्होंने गेट के पास गया, लेकिन उस खबर को गोदी मीडिया क्या चलाता था पता है? क्या चलाता था पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि उस समय कहा कि तेजस्वी यादव की आंखों से आंसू आ रहा है, तेजस्वी यादव डर गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव उस समय भी कहा कि हम डरने वाले में से नहीं हैं, हम लालू के बेटे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव जो फोटो शेयर किए हुए हैं, जो जन सैलाब मिला हुआ है वह दिखा शेयर किए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर किए हैं। आपको बता दें कि लेकिन इसके जन समर्थन को देखते हुए बिहार से दिल्ली तक हलचल है। तो गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा है कि सर्फ शूटर के साथ क्या कर रहे हैं तेजस्वी, मंच पर भी साथ। सर्फ शूटर यानी साहबुद्दीन के गांव गए थे सिवान में, और सिवान में उनका एक सभा था, उसमें तेजस्वी यादव के लिए क्या कर रहे थे मंच पे उसके सर्फ शूटर के साथ। जब मंच में जाते हैं वो लोग तो क्या करते हैं, जो नहीं जानने वाले लोगों से पूछते हैं कि क्या तेजस्वी किनके सभा में आए हैं, उन लोगों से पूछेगा जो कुछ नहीं जानता है उनसे पूछेगा, और उसी खबर को बार बार चलाएगा, उसी खबर को बार बार चलाएगा। यह गोदी मीडिया का चाल चरित्र है। आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया कितना शर्म नाम का बचा हुआ है, यानी लाइव स्ट्रीम मीडिया जो लोग देखते थे, जिस पे भरोसा करते थे, वह भरोसा लोगों का टूट गया। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग कमेंट करता है कि आप लोग गोदी मीडिया में से तो नहीं है, तो हम लोगों को बताना पड़ता है, बड़ी शर्म की बात है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का एक जो विश्वासजन यात्रा था तो 3 मार्च को यानी रविवार के दिन जो तेजस्वी यादव ने महारैली, जन विश्वास महारैली का आगाज किया है, वो भी होगा गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, गांधी मैदान से। और तेजस्वी यादव का जो खबरें है वह आप लोग देख लिए, और आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, और गोदी मीडिया का बाइकॉट करिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद।